साइंटिफिक मैथड साइंटिफिक ला साइंटिफिक ला साइंटिफिक मैथड का सबसे लास्ट स्टेप है एंड इज इट द फाइनल स्टेप साइंटिफिक मैथड में द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन सेकेंड वन इज़ हाइपोथसिस थर्ड वन इज थीरी एंड द लास्ट वन इज़ साइंटिफिक लॉ साइंटिफिक लॉ के अंदर हम पहले कुछ कंटेंट्स देखते हैं दैन वील डिस्कस फर्स्ट वन इज द डिफाइनिंग साइंटिफिक ला साइंटिफिक ला को हम डिफाइन करेंगे then what are the characteristics of scientific law third one when a theory becomes law then what is the authenticity of law and the last one some examples of the scientific law so the first one defining a scientific law scientific law is a statement based on repeated experimental observation and describe some aspects of nature तो इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं ये कहूँगा कि साइंटिफिक लॉ इज़ आ स्टेटमेंट इट्स स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्लेनिंग विच इज़ डिस्क्राइबिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर नेचर के कुछ एस्पेक्ट्स को वो डिस्क्राइब कर रहा है साइंटिफिक लॉज ऑलवेज अप्लाई अंडर सटर सर्टन कंडीशंस जब तक वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं साइंटिफिक लॉ को हम वहाँ एज़ इट इज़ अप्लाई करके जो वो लॉ की जो डेफिनेशन है वो जो कह रहा है हम वो रिजल्ट्स वहाँ से नहीं ले सकते हैं अगर मैं सिंपली एफ के अंदर आप पढ़ते हैं कि मैंडल के लॉ जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं जी हमने ट्रू ब्रीड प्लांट लेने हैं तो ट्रू ब्रीड प्लांट्स फिर क्या है वो उसकी सर्टन कंडीशन है ट्रू ब्रीड प्लांट होंगे तो आप मैंडल का लॉ अप्लाई कर सकेंगे फिर उसको एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर चल सकते हैं तो इस हर लॉ के एक स्पेसिफिक कंडीशन हैं पहले हमें वो फुलफ़िल करनी होंगी ऑफ सिक्सा साइंटिफिक लॉ साइंटिफिक लॉ की कौन कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं करैक्टर्स कौन से हैं नंबर वन थीरी की तरह साइंटिफिक लॉ भी एक स्टेटमेंट है इट इज़ आ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टेटमेंट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग साइंटिफिक लॉ हैव सर्टेन फार्मूलाज वो फार्मूलाज हम अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और साइंटिफिक रिजल्ट हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट को पहले से प्रिडिक्ट कर रहा होता है तो अगर हम उसको अपने रिजल्ट्स को किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को उस फार्मूला के मुताबिक अप्लाई करेंगे तो साइंटिफिक लाभ हमें पहले से बताता है कि जिसका ये रिज़ल्ट आएगा जैसे लाफ सेग्रीगेशन जो है हमारे पास मैंडल का लाफ सेग्रीगेशन है वो यही कहता है जब टाल और शॉर्ट प्लांट प्लांट की हम आपस में क्रॉसिंग कराते हैं तो जो एफ़ टू जनरेशन है एफ़ वन के बाद वो थ्री इंटू वन की रेशो आएगी तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है थ्री इंटू वन ठीक है तो इसी तरह से अगर इंडिपेंडेंट असाउटमेंट की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट असाटमेंट कहते हैं जी अगर आप दो ट्रेड्स को लेकर चलते हैं मैंडल के लाफ़ इंडिपेंडेंट असाउटमेंट में तो एफ़ टू के अंदर आपको रशो नाइन थ्री थ्री वन मिलेगी मीन्स देर आर सर्टन फार्मूलाज जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को प्री डिफाइन कर देते हैं उसको जो है वो बता देते हैं तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक लॉ को पहले से हम क्या कर सकते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं उसको उस लॉ की रोशनी में पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके रिजल्ट्स को अच्छा अब ये लॉ जो है इट इज़ बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ थीरी ये थीरी से इवॉल्व हुआ है ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बना हाइपोथेसिस से इवॉल्व हुआ थीरी और थ्रीरी से इवॉल्व हो रहा है या वो लॉ बन रहा है अब वो कौन सी सर्टेन कंडीशनस हैं अगर हम थीरी की बात करें तो थीरी एक ऐसी जो है वो एक्सप्लेनेशन है जिसके साथ ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे साइंटिस्ट एग्री कर रहे हो दूसरा आमतौर तो पर एक और जो बड़ी ख़ास बात ये होती है कि जो थीरी जो होती है वो उसमें चांसेस ये होते हैं दे माइट बी इन कमिंग ईयर्स कुछ ऐसे कंट्रोडिक्टी रिजल्ट्स आ जाएं, जिसकी वजह से थी जो है वो रिजेक्ट हो, हो जाए या चेंज हो जाए जबकि लॉ के अंदर अगर हम देखें अगर एक थीरी इतनी परफेक्ट है कि उसमें किसी तरह की कोई कंट्राडिक्शन नहीं आई है एंड दैट इज़ कंटिन्यूसली गिविंग द सेम रिज़ल्ट और सेकेंड वन एक तो सेम रिजल्ट दे रही है थ्रू आउट द एवोल्यूशन यानी कि जितना अर्सा भी है हंड्रेडी हंड्रेड ईयर्स टू हंड्रेड ईयर्स फिफ्टी ईयर्स जितने भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज हैं वो सारे उस थ्रीरी के हक़ में जा रहे हैं और दूसरा यह है कि आल द साइंटिस्ट दे आर एग्री विद दैट थीरी तो फिर वो थीरी अल्टीमेटली जब वो एक लॉ की फॉर्म अटेन कर लेती है तो उस सूरत में यानी जब कोई भी उसके साथ डिसएग्रीमेंट नहीं है तो फिर वो क्या है कि थीरी जो है इट इज़ बिकमिंग द लॉ लॉ कि ऑथेंटिसिटी क्या है अब थीरी और ला चूँकि थीरी से लाभ बनाए तो हम हाँ किसी भी थीरी को कह सकते हैं कि अच्छा ये थीरी लॉ है लेकिन अगेन जो थीरी है उसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ वेरिएशन की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जैसे इस एग्जाम्पल में अगर आप आग देखें एक तरफ एप्पल्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर हमने सेंटिव की थीरी लिखा हुआ है अब अगर आप ये कहते हैं जो एप्पल हैं दे आर रेड इन कलर तो चांसेस ये हैं कि कुछ एप्पल ग्रीन भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे तो थीरी के अंदर 100 परसेंट एक्यूरेसी नहीं होती है कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो इसे डेविएट कर सकते हैं साइंटिफिक लॉ साइंटिफिक लॉ के नीचे आप देखें ऑरेंज बने हुए हैं अब हम सबको पता है कि ऑरेंज हमेशा ऑरेंज कलर में होते हैं मार्केट में कभी भी हमें जो ऑरेंज अवेलेबल हैं वो ग्रीन कलर में अवेलेबल नहीं होते वो दर्तों पर होते हैं हम यानी नॉर्मल जो ऑरेंज जो अवेलेबल हैं खाने के लिए वो दे आर ऑरेंज इन कलर तो साइंटिफिक लॉ का ये बताया गया वो सॉलिड है उसको जो आप जो वो चेंज नहीं करते हैं वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं चैलेंज आप सिर्फ उसी कर सकते हैं जब आपके पास सॉलिड एविडेंसेस आ जाएँ और ये बहुत काम होता है कि आप किसी साइंटिफिक लॉ को चैलेंज करें हाँ फिज़िक्स में कुछ लॉज हैं जो आ बाद में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई जैसे उससे जो बेसिक फोर्सेस के लॉ थे उसमें थोड़ा हुआ है लेकिन नॉर्मली साइंटिफिक लॉ जो है वो चेंज नहीं होते दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एग्जाम्पल्स अगेन थीरी की तरह साइंटिफिक लॉज फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे लेकिन बायोलॉजिकल साइंसिस में लाइफ साइंसिस में देर इज एक्यूट शॉर्टेज एक्यूट शॉर्टेज का मतलब है बहुत कम साइंटिफिक लॉज जो हैं वो अवेलेबल हैं ज़्यादातर हाइपोथेसिस हैं तो इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जो बायोलॉजिकल साइंसिस हैं वो बड़ी वर्सटाइल हैं आप कोई भी एक पैरामीटर रखेंगे किसी खास चीज़ के लिए अच्छा ये है जैसे फिजिक्स में हम कहते हैं कि लाइट सीधी चलती है तो अब लाइट बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड चलती है ये एक आप इसको एज ए लॉ ले सकते हैं लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के वो फोटोसेंथिस करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इनके पास फोटोसेंस का कोई मैकेानिज़्म नहीं है नॉन फोटोसेंथेटिक हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ सैंस के अंदर जोआलॉजी के अंदर बॉटनी के अंदर बायोलॉजिकल बॉलोजिकल साइंस के अंदर लॉज की शॉर्टेज है चाल बता चांदी के एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट दोनों अपने एफ में पढ़े हुए हैं ठीक है हार्डी वेनबर्ग लॉ हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है ये बेसिकली पॉपुलेशन से रेलिवेंट है इसको मैं सिंपल से ये बताऊं कि ये कहता है कि जी किसी भी इलाके के अंदर जो जीन्स की फ्रिक्वेंसीज है वो चेंज नहीं होती है जब तक वो पॉपुलेशन इंटैक्ट है इसको आप अपने अगले सेमेस्टर्स में जाकर पढ़ेंगे बार दिस इज़ आल्सो आ, आ, साइंटिफिक लॉ ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास ज़्यादा कॉमन हैं